एक्टर बॉबी देओल किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भले ही वो आज कम फिल्मों में नजर आते हों, लेकिन एक समय पर वो फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करते थे। तो बता दे कि बॉबी देओल ने अपनी इस बर्बादी का राज भी खोला है। जिस तरह से पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि उनका करियर बर्बाद हो गया है, तो बॉबी ने खुद ही इस बात का खुलासा किया है कि आखिर किस वजह से उनका करियर इतनी ढलान पर आ गया था। अपने फ्लॉप करियर पर पहली बार बॉबी देओल ने एक बड़ा खुलासा किया। एक इंटरव्यू में बॉबी ने कहा, मैं चाहता था कि 2-3 फिल्में करने के बाद मेरा करियर बुलंदियों पर पहुंच जाए, और ऐसा हो भी गया था। लेकिन वो स्टारडम को नहीं समझ पाए। वो अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत नॉर्मल तरीके से ले रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कब वो ऊंचाई पर पहुंच गए। इसी के साथ बॉबी कहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए, लोग पहले की तरह उन्हें नोटिस करने लगे। अब उन्हें इस पर ध्यान देना होगा ताकि इसे दोबारा ना खो दे। उन्हें कभी अपने कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान ही नहीं दिया। यही सब वजह बताते हैं बॉबी देओल अपने फ्लॉप करियर की। जहां एक समय पर वो ऊंचाइयों को छुआ करते थे, तो वहीं अचानक ही उनका फिल्मी करियर ढलान पर आ गया। इसी के साथ वो कहते हैं कि उनका ध्यान हटता गया और दूसरों को फिल्में मिलती गई, और इसी तरह से वो पीछे पीछे और पीछे होते गए। बस यहीं पर बॉबी से गलती हो गई और उनका करियर ढलान पर आ गया। इसी के साथ वो कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग उनसे कंपटीशन करेंगे। उन्हें लगता था सभी को काम मिलना चाहिए, उन्हें उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने गलत सोचा था। चीजें बदल चुकी थी। उनका कहना है कि लोग प्रोड्यूसर्स के ऑफिस जाकर काम मांगते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से चीजें निकलती जा रही हैं। काश ये सब पहले ही एहसास कर पाते। बॉबी कहते हैं कि काश मेरा फिजिक अच्छा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ गौर हो दोस्तों कि बॉबी देओल को एक बार फिर से चांस मिला है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। बॉबी देओल एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के जरिए एक बार फिर से वो लोगों के बीच छाने वाले हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं बॉबी देओल, तो वहीं अब उनके फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां इतने समय तक उनको किसी भी फिल्म में नहीं देखा गया था, जहां इतने समय तक बॉबी देओल ने कोई भी हिट फिल्म नहीं दी थी, तो अब उनके फैंस कर रहे हैं उनकी इस हिट फिल्म का इंतजार। यानी अब एक बार फिर से हो जाइए तैयार बॉबी देओल के शानदार परफॉर्मेंस को देखने के लिए। बॉबी देओल एक बार फिर से छाने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री पर, और एक बार फिर से ही कराने वाले हैं अपने होने का एहसास। इस फिल्म में एक अलग ही अवतार में नजर आएंगे बॉबी देओल, जिसको लेकर वो बने हुए हैं खबरों में। तो अब देखना ये होगा कि उनके फैंस उनकी वापसी को कितना पसंद करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से चित्रा की रिपोर्ट।